आज देख रहे हैं हम दुनिया के हालात क्या है। कल आप सबने समाचार में सुना होगा, जापान के भूतपूर्व वड़ाप्रधान शिंजो आबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़े विद्वान विचक्षण पुरुष थे, जापान में सबसे ज्यादा समय तक वो वड़ाप्रधान पद के ऊपर रहे, प्रेसिडेंट बने जापान के सबसे ज्यादा समय तक, 3 बार वो प्रेसिडेंट बने, वड़ाप्रधान बने जापान के। भारत से उनके संबंध बड़े घनिष्ठ थे। भारत का जो द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म भूषण, वो भी उनको अर्पण किया गया था। भारत के कई मंदिरों में जाकर के उन्होंने धर्म को समझा था, लेकिन कल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मैं आपको बात यह बताना चाहता हूं कि दुनिया किस ओर जा रही है। जापान की बात छोड़ो, दुनिया की बात छोड़ो, मैं आपको भारत की बात बताता हूं कि धर्म के अभाव में हमारा जीवन कहां जा रहा है। भारत में एक सरकारी संस्था है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मैं आपको आंकड़े जो दे रहा हूं समझने की कोशिश करना। ये भारत देश जहां चींटी को मारना भी मुनासिब नहीं कहा गया, ये भारत देश जहां एक छोटे से जंतु की हत्या भी हमें मन से हिला देती है कि हमारे से बड़ी हत्या हो गई, हमारे से बड़ा पाप हो गया। लेकिन धर्म के अभाव में, दुनिया धर्म के अभाव में खत्म हो जाएगी, समझ लेना। हमारे भारत देश में जहां ऋषि मुनियों की परंपरा है, जहां बुद्ध और महावीर की परंपरा है, जहां राम और कृष्ण की परंपरा है, जहां पैगंबर की परंपरा है, ऐसे भारत देश में भारत देश की सरकारी संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहती है कि भारत में 2020 की साल में, समझना मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े, ऑफिशियल आंकड़े, भारत में 2020 की साल में 29,193 हत्याएं हुई, यानी कि प्रतिदिन 80 लोगों के मर्डर भारत में होते हैं। हम सोच सकते हैं? ये तो सरकारी आंकड़े है जिसको सरकार में लिखा गया, जिसकी बात सरकार तक पहुंचे नहीं पहुंची, ऐसे तो कितने आंकड़े होंगे हम सोच सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े ये कहते हैं कि दुनिया में हर साल 4,12,000 लोगों का मर्डर किया जाता है, हत्याएं की जाती है, यानी कि करीबन प्रतिदिन 1,120 लोगों को मर्डर करके मार दिया जाता है। अमेरिका को यदि देखा जाए, दुनिया का सर्वाधिक विकासशील देश, विकास किसको कहा जाता है? दुनिया का सर्वाधिक विकासशील देश अमेरिका USA, उसको यदि देखा जाए तो पिछले 5 साल में 100 स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं हुई है पिछले 5 साल। ये साल में देखा जाए 2022 में, अभी तो आधा साल भी पूरा हुआ है, पिछले 7 महीने में 220 से ज्यादा गोलीबारी की घटनाएं अमेरिका में घटित। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां हम धर्म को चूकेंगे, जहां जहां धर्म से दूर हो गए, ये हिंसा हमारे जीवन में आएगी। आज पूरी दुनिया में चाहे युद्ध की बात हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे अणुशस्त्रों की बात हो, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसको बचाने की ताकत एकमात्र परमात्मा महावीर के सिद्धांत में है। यदि दुनिया परमात्मा महावीर के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दे तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन सकती। हमारे यहां तो यह सिखाया गया, एक चींटी को मारना भी पाप। और मैं कहता हूं ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा जैनिज्म को समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जैनिज्म दुनिया को समझना है कोई बात नहीं। परमात्मा के 3 सूत्र यदि जीवन में उतार ले दुनिया, तो मैं कहता हूं कि दुनिया में से ये हिंसा का तांडव खत्म हो सकता है। सबसे पहला सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। हमारे परमात्मा ने सूत्र दिया अहिंसा परमो धर्म, कहा कि दान देना धर्म है, तप करना धर्म है, त्याग करना धर्म है, किसी के लिए भला करना धर्म है, शरीर को कष्ट देना धर्म है, साधु साध्वी की वैयावच करनी ये धर्म है, मेरी पूजा भक्ति करनी ये भी धर्म है, लेकिन अहिंसा परम धर्म, ये सब न होगा तो चलेगा, लेकिन हिंसा जीवन में कदाचित न होनी चाहिए।
और इसीलिए परमात्मा ने सूत्र दिया अहिंसा परमो धर्म। मैं कहता हूं ये पहला सूत्र यदि दुनिया अपने जहन में बिठा ले तो दुनिया में कई जगहों पर कई देशों में शांति बन सकती है। परमात्मा का दूसरा सूत्र परस्परोपग्रहो जीवान। परमात्मा ने दूसरा सूत्र दिया परस्परोपग्रहो जीवाना, यानी कि दुनिया एक दूसरे के उपकारों से चलती है। न मैं अकेला कुछ कर सकता, न आप अकेले कुछ कर सकते, हम सब एक दूसरे के उपकारों तले दबे हुए हैं। एक दूसरे के उपकारों से हमारा जीवन चलता है, हम एक दूसरे के उपकारों के साथ जी रहे हैं। यानी परमात्मा कहना चाहते हैं कि समझ के रखिए, बिना दूसरे के हम अकेले निराधार, हम अकेले कुछ नहीं कर पाए, दूसरों की सहायता बहुत जरूरी है जीवन में। और ये परमात्मा का दूसरा सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम। दुनिया ये समझ ले, दुनिया के देश ये समझ ले, दुनिया के लोग ये समझ ले कि एक दूसरे के उपकार से दूसरों का जीवन चलता है, हमारा जीवन चलता है। किसी की हत्या करने का, किसी की हिंसा करने का उसको मन न होगा। और तीसरा सूत्र परमात्मा ने दिया शिवमस्तु सर्व जगत। परमात्मा का ये तीसरा सूत्र है शिवमस्तु सर्व जगत, यानी समझ लेना हम ये हर रोज भावना भाए कि हमारे विश्व में जितने भी लोग हैं, मात्र लोग नहीं, जितने भी पशु पंखी है मात्र पशु पंखी नहीं, जितने भी प्राणी है मात्र प्राणी नहीं, अरे दुनिया में भरे हुए छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, न दिखाई देने वाले भी जितने भी जीव है, जहां जहां प्राण मौजूद है, जहां जहां आत्मा मौजूद है, सभी का कल्याण हो, शिवमस्तु सर्व जगत। और इसलिए मैं आपको एक कहना चाहता हूं, समझ लेना, जिन शासन के, हमारे जैनिज्म के परमात्मा, महावीर के परमात्मा, ये 24 तीर्थंकर परमात्मा ने ये एक ही बात करी है, तीन सूत्र यदि दुनिया की समझ में आ जाए तो पूरे विश्व में शांति हो सकती है। आज पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया दुखी है धर्म के अभाव। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और ये समझ लेना, मात्र जैन धर्म ये कहता है, ये नहीं है। हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों में आप जाओगे तब भी आपको यही बात पता चलेगी। ईसाई धर्म के मौलिक सिद्धांतों में जाओगे तब भी आपको यही बात पता चलेगी। अरे और तो और, मुस्लिम धर्म के मौलिक सिद्धांतों में जाओगे तब भी आपको यही बात पता चलेगी। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों में जाओगे तब भी आपको यही बात पता चलेगी। फिलोसॉफी सबकी एक है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि समझ लेना, विश्व को यदि हिंसा के तांडव से मुक्त करवाना है तो भगवान महावीर के सिद्धांतों का अमल करना होगा। और ये तीन सिद्धांत दुनिया समझ ले तो दुनिया में परिवर्तन हो सकता है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।